नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, मींस इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में पहली जो डिजीज है वो है GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में GERD कह सकते हैं। GERD कैन बी डिफाइंड एज बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ईसोफेगस ड्यू टू इनकम्पेटेंट एंड रिलैक्सेशन ऑफ लोअर ईसोफेजियल एंड कार्डियक इंस्पेक्टर। तो जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस, और जो हमारा स्टमक का कार्डियक पार्ट होता है उसके बीच में जो पार्ट प्रेजेंट जो हमारा पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर। प्रेजेंट होता है मस्कुलर, उसे हम बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। और जो गैस्ट्रो है उसका GERD में जो जी स्टैंड्स फॉर स्टमक, दैट इज गैस्ट्रो, ई फॉर ईसोफेगस एंड आर फॉर रिफ्लक्स। तो क्या होता है GERD में, जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद माउथ के थ्रू कहाँ जाता है, जो हमारा फूड होता है वो ईसोफेगस में जाता है, देन वो स्टमक में इंटर करता है, और स्टमक में क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स एसिड्स रिलीज होते हैं फूड पे, जो क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमारा जो फूड डाइजेस्ट होके कहाँ मूव करता है, इंटेस्टाइन में मूव करता है। अगर जो कुछ पार्ट फूड का अगर हमारा रिटर्न हो जाए ईसोफेगस में, जिसको हम क्या बोलते हैं रीअर्जिटेशन, तो इसको हम इस डिजीज के इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल, और ये ऐसा होगा कब, ऐसा तब होगा जब ईसोफेगस से हमारा फूड इंटर करेगा स्टमक में, तो वहाँ पे जो कार्डियक इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता है अगर वो ओपन हो जाए, तो क्या होगा, हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैक फ्लो वो वापस ईसोफेगस से पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीअर्जिटेशन होगा या डकार आएगी। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो उसे हम बोलते हैं GERD। इसीलिए जो GERD है, जी स्टैंड फॉर स्टमक, जी एंड ई फॉर ईसोफेगस, एंड आर इज रिफ्लक्स, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी मीन्स के कॉजेटिव फैक्टर क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकती है GERD। तो फर्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर डिस्प्रोपोर्शन। न्यूरोमस्कुलर डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 साल से कम का कोई बच्चा है और उसमें 1 साल से कम का है, उससे भी ज़्यादा का अगर न्यूरोमस्कुलर डिस्प्रोपोर्शन है, अगर जो हमारा मेन किसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस में आ रहा है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक से वो वापस किसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा है, कार्डियक स्पिंक्टर की वजह से, और अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डिस्प्रोपोर्शन, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, GERD कॉज हो सकती है। सेकेंड कॉज हो सकता है डिलेड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। अब जो हमारा कार्डियक इंस्पेक्टर है वो किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर है, और ये किससे कनेक्टेड है, हमारा न्यूरोमस्कुलर से है। तो अगर ये न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट में डिले हुआ है, तो ये दो टाइप का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल कब होगा, फिजियोलॉजिकल 1 साल से अगर कम के बच्चे में अगर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो नॉर्मल है, वो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कैसे सही हो जाता है, क्योंकि 1 साल तक के बच्चे में CNS प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, और 1 साल तक क्या होता है, CNS का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये डिजीज सही हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब बच्चे छोटे बच्चे फीडिंग करते हैं तो उनको डकार आती है, तो प्रॉब्लम इज ड्यू टू नॉट डेवलपमेंट ऑफ CNS। अगर पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल मीन्स 1 साल के बाद के लोगों में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल कंसीडर करेंगे, और ये प्रॉब्लम कहाँ, पैथोलॉजिकल मीन्स ये प्रॉब्लम जो है लोगों में जो होगी वो कार्डियक इंस्पेक्टर में अगर प्रॉब्लम है तब उनको GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेच्योर CNS। किसी का प्रॉपरली 1 साल के बाद भी CNS प्रॉपरली इमेच्योर है, डेवलप नहीं हुआ है, तो उनमें GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। अगर एब्डोमिनल प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है तो तब भी GERD की प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट इज हायटल हर्निया। हायटल हर्निया के केस में भी GERD डेवलप हो जाता है। हायटल हर्निया क्या होता है, हायटल हर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्टमक,
हर्निएटेड थ्रू द डायफ्राम इनटू थोरेसिस कैविटी, जो स्टमक का जो पार्ट है वो हर्निएट होके कहाँ पे डायफ्राम के थ्रू थोरेसिस कैविटी में एंटर कर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हायटल हर्निया, और हायटल हर्निया की वजह से भी जीआरडी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ के डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है कि ये हमारा क्या स्टमक है, स्टमक के तीन पार्ट होते हैं कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ऊपर का जो पार्ट है वो कार्डियक होता है, कार्डियक और ईसोफेगस के बीच में जो हमारा वॉल्व होता है, जो मसल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर या लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट केस है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, हमारा अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट है, हमारा जो लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर है वो क्लोज है नॉर्मल कंडीशन में, तो जिससे किसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसका उसका बैक फ्लो नहीं हो रहा है, वापस नहीं जा रहा है ईसोफेगस में, जिसकी वजह से जीआरडी की कंडीशन या रीअर्जिटेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड वाले जो डायग्राम है उसमें जीआरडी का केस दिखाया है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैक फ्लो हो गया है, हमारा जो लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर है वो ओपन है, वहाँ से जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस में चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या, और रीगर्गिटेशन बोलते हैं उसको, उसकी प्रॉब्लम आती है, जिसे हम डकार बोलते हैं, दैट इज जीआरडी। क्या होता है जब हम भी कोई फूड लेते हैं, व्हेन फूड इज सॉलिड, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो अ सर्कुलर बैंड ऑफ मसल अराउंड द बॉटम ऑफ ईसोफेगस रिलैक्सेस टू अलाउ फूड and liquid to flow into stomach, then the inspector closes again। जब भी हम कोई खाना या फूड खाते हैं तो हमारी जो सर्कुलर बैंड होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस के बॉटम में प्रेजेंट होती है, और स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, ओपन हो जाती है, और हमारा जो फूड होता है वो स्टमक में चला जाता है, फिर इंस्पेक्टर अगेन ये बंद हो जाता है। इफ द इंस्पेक्टर रिलैक्सेस एबनॉर्मली और वीकेंस, स्टमक एसिड कैन फ्लो बैक इनटू ईसोफेगस, दिस कांस्टेंट बैक वॉश ऑफ एसिड इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस कॉजिंग इन्फ्लामेशन। क्या होगा अगर ये इंस्पेक्टर प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, तो हमारा जो फूड स्टमक में जाएगा वहाँ पे एसिड्स उस पर उसको डाइजेस्ट करेंगे, अगर उसका बैक फ्लो वो वापस ईसोफेगस में चला गया तो ईसोफेगस की जो लाइनिंग्स होंगी उनमें क्या होगा, इरोजन होगा, उनकी एपिथेलियल सेल जो ईसोफेगस की होंगी, एपिथेलियल लेयर, उसमें इरोजन कॉज होगा और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। अब कौन कौन से ऐसे फूड हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे जीआरडी को बढ़ा सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकते हैं, लाइक स्मोकिंग, अगर हम लार्ज में ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं तब भी जीआरडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम कुछ ऐसे फूड खा रहे हैं जो फैटी फूड्स हैं, कुछ ब्योरेज पी रहे हैं लाइक अल्कोहल या कॉफ़ी, उसकी वजह से भी अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तब भी जीआरडी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन, इसकी वजह से भी जीआरडी की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज रिकरेंट रीगर्गिटेशन, रिकरेंट रीगर्गिटेशन मीन्स फ्रीक्वेंटली जो है डकार आना, दैट इज द साइन ऑफ जीआरडी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। वेट लॉस हो सकता है या पुअर वेट गेन हो सकता है, मीन्स वेट लॉस कैसे होगा, सपोज एक साल का बच्चा है और उससे बार उस फीडिंग कर रहा है लेकिन फ्रीक्वेंटली उसको रीगर्गिटेशन हो रहा है, डकार आ रही है, तो क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा, जितना वो खाएगा उतना तो उसका डकार के थ्रू लॉस हो जाएगा। ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, अगर रिकरेंट रीगर्गिटेशन हो रहा है तो बॉडी की ग्रोथ भी इस हिसाब से नहीं हो पाएगी, बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हिमैटेमेसिस, ब्लड इन वॉमिटिंग, कैसे, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जब हमारा बैक फ्लो होके ईसोफेगस की में जाएगा तो वहाँ की एपिथेलियल वॉल को क्या करेगा, इरोजन करेगा, और वहाँ पे इरोजन की वजह से वहाँ पे ब्लड रिलीज होगा और वो हमारे वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड जो है वहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट इज ऑर्डिनोफेजिया, खाने में दिक्कत होगी, पेनफुल फॉलोइंग, जब भी हम खाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी, ईसोफेगस की वॉल इरोज होगी तो इरोजन होगा तो हम जब भी कुछ खाएंगे तो पेन होगा। डिसफेजिया, किसी भी चीज़ को खाने में उसको सॉलो करने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा और हार्ट बर्न होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं इसके साथ, अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट ना करें तो एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है, और अगर हमें जीआरडी को
प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो एसिड कंटेंट हमारा ईसोफेगस में पहुंच के, जैसे हमने बताया, लोअर एपिथेलियल लेयर को वहां पर डैमेज करेगी, जिससे हम बोलेंगे बैरेट ईसोफेगस। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं। तो एंडोस्कोपी के थ्रू पता लगाते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एक इंसर्ट करते हैं एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें लाइट एंड कैमरा होता है, उसमें थ्रॉट में इंसर्ट करते हैं और ईसोफेगस एंड स्टमक के इनसाइड हम उसको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट इज ईसोफेगल पीएच को भी एसेस करके हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम पोजीशन कौन कौन सी देते हैं, जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, अगर हम किसी बच्चे की एंडोस्कोपी कर रहे हैं और अगर वो स्लीपिंग पोजीशन में है तब हम उसको सुपाइन पोजीशन देंगे, और अगर जगा हुआ है तो हम उसको प्रॉन पोजीशन देंगे। प्रॉन हम क्यों देंगे, जब ताकि एस्पायरेशन ना हो, और अगर हम स्लीपिंग पोजीशन में सुपाइन पोजीशन इसलिए देते हैं कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम ना हो। लेकिन अगर एक साल से बड़ा कोई है उस केस में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, उस केस में हम एंडोस्कोपी करते हैं तो लेफ्ट लैटरल विद हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं, तब हम पेशेंट की एंडोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक नॉर्मल मैनेजमेंट की बात करें तो हम जब भी अगर हम छोटे एक साल से कम का बच्चा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो भी मदर फीडिंग कराने वाली है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क को एक कंटेनर में इकट्ठा करके उसको बॉटल के थ्रू देंगे। बर्पिंग कराएंगे बेबी को ड्यूरिंग द फीड एंड आफ्टर फीड, उसमें बर्पिंग कराएंगे जो भी आप लोग जानते होंगे। लेस एक्टिविटी करेंगे, जैसे फीडिंग हुई, बच्चे की फीडिंग हुई उसके जस्ट बाद उसका मूवमेंट, उसको थोड़ी देर उसको सोने देंगे या उसको इधर उधर ज़्यादा घूमने नहीं देंगे। Avoid the feeding 2 hours before the bedtime. सोने के 2 घंटे पहले उसको फीडिंग कराना avoid करेंगे। बात कर लेते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स हम किसी मेडिसिन से कैसे हम इस चीज़ को इलाज कर सकते हैं। एंटा एसिड्स देख के, एंटा एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड जैसे कि सुक्रालफेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा। या बात कर लेते हैं मेडिकेशन जैसे जो एसिड प्रोडक्शन को कम करें, जैसे कि फेमोटिडीन, रैनिटिडीन या ऐसी मेडिकेशंस जो एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक करें, जैसे ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल एट्सेट्रा। इसके अलावा हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं फंडोप्लिकेशन करते हैं। फंडोप्लिकेशन में क्या करते हैं, रैपिंग द टॉप ऑफ स्टमक, जो स्टमक का टॉप पार्ट है, फंडस पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, रैपिंग द टॉप ऑफ स्टमक अराउंड द लोअर इसोफेगल इंस्पेक्टर टू टाइटन दी मसल एंड प्रिवेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हेल्दी वेट मेंटेन करना पड़ेगा, स्मोकिंग को कम बंद करना पड़ेगा ताकि हमारा जो लोअर इसोफेगल इंस्पेक्टर है वो प्रॉपरली काम कर सके। एलिवेट द हेड ऑफ योर बेड, जो बेड जिस पे लेटे उसको हेड को एलिवेट करके 6 to 9 inch उसको एलिवेट करके लेटे। डोंट लाई डाउन आफ्टर मील, मीन्स जैसे ही हम खाना खाएं, कोई भी मील लें, उसके जस्ट बाद उसमें उसके एटलीस्ट 3 घंटे तक बेड पर नहीं जाना है। ईट फूड स्लोली एंड च्यू थॉरली, जो खाना है उसको धीरे धीरे खाना, प्रॉपरली उसको चबा कर या उसको च्यू करके खाना है। एवॉइड फूड्स एंड ड्रिंक दैट ट्रिगर रिफ्लक्स, मीन्स ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो कि क्या करें, गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लक्स को ट्रिगर करें, जैसे कि एल्कोहल, चॉकलेट्स, ऑनियन, कैफीन। अवॉइड टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, वेस्ट के चारों तरफ टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनने को अवॉइड करना चाहिए। कुछ हर्बल मेडिसिंस लेके भी हम जीआरडी को रोक सकते हैं, लाइक लिकोराइस। रिलैक्सेशन थेरेपी से भी हम जीआरडी को कम कर सकते हैं, जैसे कि ऐसी टेक्निक्स जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करें, मींस एंजाइटी और स्ट्रेस भी ये जीआरडी की प्रॉब्लम को कॉज करती हैं। तो एंजाइटी को कम करके या किसी भी स्ट्रेस को कम करके हम जीआरडी की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हमने जो पहली डिजीज आज कवर की है दैट इज जीआरडी। इसमें आपका पूरा डेफिनेशन है, साइन एंड सिम्टम है, एटियोलॉजी है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है,
नेक्स्ट वीडियो में हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।